सो दोस्तों अभी मैं होल्डर लगा के वीडियो को शूट कर रहा हूँ और iPhone 12 का इनबिल्ट माइक है और यहाँ पे मेरे पास 50mm का लेंस है सोनी का। सबसे पहले तो आपको अपने iPhone का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यूज करना है। सो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ व्लॉगिंग से रिलेटेड। अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हो, आपने स्टार्ट किया है, तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और अगर आप गाड़ी में भी जाते हो तो गाड़ी में आप कैसे व्लॉग कर सकते हो, कौन सा लेंस आपने यूज़ करना है, क्या कुछ आपके पास होना चाहिए जिसकी वजह से आप एक प्रॉपर व्लॉग कर पाओ। सो मैं आपको सारी की सारी डिटेल देने वाला हूँ जिसकी वजह से आपकी जो व्लॉगिंग होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छे से व्लॉग कर पाओगे और आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाओगे। सो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, सो बिना टाइम वेस्ट किए चल इस बताए स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने iPhone का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यूज़ करना है जिसकी वजह से आपको गाड़ी का सारा व्यू मिलेगा कि आसपास जो भी बैठा हुआ है, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए हैं, जो आपस में बातें कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अच्छा व्यू देखने को मिलता है, अगले को अच्छा लगता है कि काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, सिनेमैटिक सा लगता है, काफ़ी वाइडर व्यू आता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या कर सकते हो आप, इस फॉर्मेट में भी अपने आप को शूट कर सकते हो, ठीक है, इस होल्डर की वजह से, और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव हो जाता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। पर्सनली मैंने खुद अपनी गाड़ी के लिए लगवाया, तो आप इसको किसी भी फॉर्मेट में इसको मतलब कि रख के वीडियो को शूट कर सकते हो, व्लॉग वगैरह करना हो, मिनी व्लॉग्स बनाने हैं रील्स के लिए वो भी आप यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब के लिए बनाने हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं मोस्टली रियर कैमरे का यूज़ करता हूँ, तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड फ़ोन का भी आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यूज़ करना है जिसकी वजह से आपको प्रॉपर व्यू मिल पाए। अब जैसा कि यहाँ पे ट्विटी बैठी हुई है, पीछे मम्मी है और यहाँ पे फ्रंट पे मैं बैठा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे अपने फ्रंट कैमरे का यूज़ करूँगा तो उतना अच्छा व्यू मुझे नहीं मिलेगा, उसकी बजाय अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यूज़ करूँगा तो मुझे प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो चलिए दोस्तों मैं आपके साथ कुछ सैंपल शेयर करता हूँ फ्रंट कैमरा से और रियर कैमरा से लेके, और आप मुझे बताना कि आपको कौन सी फुटेज बेटर लग रही है। सो दोस्तों अभी मैं इसके फ्रंट कैमरा से वीडियो को शूट कर रहा हूँ और आप डिफरेंस देख सकते हो कि रियर कैमरा से जब हम अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को यूज़ कर रहे थे कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा था। और अब मैं यहाँ से फिर से गाड़ी को थोड़ा सा तेज करूँगा कि हमें पता लग जाए कि स्टेबिलिटी कैसे आती है। सो दोस्तों अभी मैं होल्डर लगा के वीडियो को शूट कर रहा हूँ और iPhone 12 का इनबिल्ट माइक है, तो गाड़ी के अंदर तो आपको ऐसा कोई एक्सटर्नल माइक लगाने की जरूरत नहीं, पर जैसा कि अगर आप शीशे वगैरह को खोलते हो ना तो कई बार बाहर से साउंड वगैरह आ जाती है जो मतलब थोड़ी सी खराब लगती है, तो उसके लिए आप एक लैपल माइक यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से गाड़ी को थोड़ा सा तेज करता हूँ जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे आती है इस होल्डर की और ये कामयाब होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी नया लगवाया तो उसको मैंने पूरा टेस्ट किया, तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि हमेशा हमारे पास ऐसे बंदा नहीं हो सकता कि कई बार हमें सोलो भी ब्लॉगिंग करनी पड़ती है तो हम आगे का व्यू भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने दोनों के दोनों शीशे खोल दिए, अब आपको आइडिया हो जाएगा कि नेचुरल माइक कितना काम कर पाता है और नॉइज कितनी आती है। तो आपको ये करना है कि सबसे पहले तो सुपर वाइड एंगल लेंस का यूज करना है, उसके बाद ही आपको वीडियोज को शूट करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ऐसा फील होगा कि बहुत ही ज्यादा वाइडर व्यू आ रहा है। और आप स्टेबिलिटी देख के मुझे बताओ कि आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गिम्बल यूज नहीं हो रहा है भाई, सिर्फ होल्डर पे फोन लगा हुआ है हमारा। सो उसके बाद दोस्तों आपके पास एक बैग होना चाहिए, प्रॉपर अच्छा बैग, वाटरप्रूफ मजबूत बैग, ये मैंने रिसेंटली लिया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाटरप्रूफ है, ठीक है। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और 4 साल बाद भाई बैग चेंज किया है तो ये डिजिटेक का बैग है। तो ये मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब हम व्लॉगिंग करने जाते हैं तो मौसम का पता नहीं होता, कभी बारिश आ जाए या बर्फ़ वगैरह पड़ने लग जाए या कुछ भी मौसम वगैरह चेंज होता है, तो जिसकी वजह से हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं अगर हमारा बैग अच्छा नहीं होगा। तो हमारे पास एक मजबूत बैग होना चाहिए और ये काफ़ी अच्छा बैग है, इसमें आप अपना लाइटिंग स्टैंड लगा सकते हो, ट्राइपॉड वगैरह लगा सकते हो और ये बैग काफ़ी मजबूत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी जिप को ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रख के हम इसको ओपन करते हैं और ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ आप रख सकते हो, अपना मतलब कि डाटा केबल वगैरह, पावर बैंक वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने अपना दूसरा फ़ोन रखा हुआ है ओप्पो का, ओप्पो रेनो 5 प्रो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे बैटरीज वगैरह रखी हुई है मैंने, और यहाँ पे मेरे पास 50mm का लेंस है सोनी का, और यहाँ पे मेरे पास ब्लूटूथ स्पीकर है। तो इस बैग के अंदर क्या है कि सेक्शंस बने हुए हैं, आप अलग अलग सेक्शंस में अपना कैमरा वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने अपना कैमरा प्लेस किया था जोन सा भी, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, सोनी अल्फा A6100, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास HOYAM का गिम्बल है
और यहाँ पे मेरे पास एक लैपल माइक है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो फोन का ना मेन माइक होता है, जो इनबिल्ट माइक होता है, वो कई बार कुछ सिचुएशंस में अच्छा काम नहीं कर पाता, तो उसकी जगह पे हम एक लैपल माइक यूज़ कर सकते हैं बोया का, बोया BY-M1। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके सारे के सारे प्रोडक्ट्स को आप बाय कर सकते हो। तो इस बैग की वजह से क्या है कि आपके पास सेक्शंस बने हुए हैं, अगर आपको फटाफट कुछ भी चाहिए तो फटाफट आप उसको निकालो और व्लॉग बनाना अपना स्टार्ट कर दो। सो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको सामने गोरिल्ला ट्राइपॉड दिख रहा है, ये तो भाई मस्ट है, व्लॉगिंग की जान है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि हमें प्रॉपर ग्रिप मिलता है। अब यहाँ पे आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो, आप देख सकते हो कि मैं कितना दूर हूँ गाड़ी की, मैंने मतलब कि डिक्की पे रख दी है, तो आप इसको कहीं भी रख सकते हो। अब जैसा कि इसको मैं लेके जाता हूँ, तो आप इसको ज़मीन पर रख सकते हो कुछ इस तरीके से, और मैं पीछे जाता हूँ तो आप पीछे बैठ के भी व्लॉग वगैरह कर सकते हो, मतलब कि आपको एक ना मतलब कि हेल्प मिल जाती है, इसकी वजह से आपको प्रॉपर ग्रिप मिलेगा। अब आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, प्रॉपर आपको ग्रिप मिल जाता है और आप इसके ऊपर एडजस्ट करके कहीं भी इसको रख सकते हो। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि बिना गोरिल्ला ट्राइपॉड के आप व्लॉगिंग मत करो, कि जिसकी वजह से आपको अच्छा रिजल्ट्स ना मिले। सो अब बात करते हैं हमारे लास्ट पार्ट के बारे में, वो आता है हमारे पास यहाँ पे मोबाइल गिम्बल, क्योंकि मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि मोबाइल का जो सेटअप होता है ना काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ से इसको भाई हम यहाँ पे रखते हैं और आपको प्रॉपरली मैं दिखाता हूँ। अब ये यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा गिम्बल है, ये देखो कितना छोटा है, अगर मैं इसके ट्राईपॉड को निकाल दूँ ना तो ये इतना छोटा है कि मेरी जेब में भी आ जाएगा। और सबसे बेस्ट इन क्लास मुझे गिम्बल लगता है HOYA MY STEADY X, इसका भी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप मेरी वीडियोज़ में देखना, मैंने मोस्टली ये यूज़ किया हुआ है व्लॉग्स के अंदर, और इसकी वजह से बहुत ही अच्छे आप सिनेमैटिक शॉट्स निकाल सकते हो। तो कई बार आप ऐसी लोकेशन पर जा रहे हो बहुत खर्चा करके, और वहाँ पर जाके आप अच्छे व्यू मतलब कि कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, और फिर आपको लगेगा यार कि काश मैं थोड़ा इन्वेस्ट कर लेता। तो ये सबसे सस्ता गिम्बल है, 5-6 हज़ार के आसपास आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक लास्ट टिप आपको देना चाहता हूँ, ठीक है, ये बोनस टिप है। अब यहाँ पे देखो कि मेरे पास वहाँ पे गाड़ी में आईफोन लगा हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास जोन से मैं कैमरे से वीडियो को शूट कर रहा हूँ वो सोनी का कैमरा है, और भाई यहाँ पे मेरे पास है एंड्रॉयड फ़ोन, और ये बहुत ही अच्छा फ़ोन निकला ओप्पो का, इतना बढ़िया फ़ोन निकला ना, ये आज तक भी ऐसे ही परफॉर्म करता है। मोस्टली वीडियोस मैं इससे भी शूट करता हूँ, और बहुत सारी वीडियोस मैंने इससे बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर। अब मैंने इसको इसलिए रखा हुआ है साथ में, और क्योंकि अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए और तो मैं इसको यूज़ कर लूँ। अब ये ऐसा नहीं है कि आपके पास, अब आप बोलोगे कि भाई मेरे पास तो एक ही फ़ोन है, तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो पावर बैंक का, ठीक है, एक पावर बैंक आप रख लो अपने बैग के अंदर, इसकी वजह से आपको बैकअप मिल पाए और आप अच्छे से वीडियोज़ को शूट कर पाओ, क्योंकि बैटरी हमारी काफ़ी जल्दी चली जाती है वीडियोज़ को शूट करते वक्त, तो आप एक पावर बैंक को भी रखो। अभी मेरे पास नहीं है, घर पर रह गया, वो भूल गया मैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक पावर बैंक को रखो, जिसकी वजह से अगर आपके पास सिर्फ एक ही फ़ोन है, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन है चाहे आपके पास आईफोन है, ठीक है, तो आपकी बैटरी प्रॉपरली चार्ज रहेगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और मैं कैसे व्लॉगिंग के लिए क्या कुछ लेके जाता हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब यहाँ पे जो सी मेरे पास यहाँ पे चीज़ें, इन सारे का सारा चीज़ों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो और अपनी व्लॉगिंग को अच्छा बना सकते हो। और मेरा ये है कि हम सभी साथ में मिलकर ग्रो करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं जल्दी मिलूंगा ऐसे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।